पशुपालन एवं डेयरी विभाग हरियाणा द्वारा देसी गायों को लाभकारी बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है, जिसे आए दिन आवारा सांडों के कारण सड़कों पर होने वाले हादसों से तो निजात मिलेगी ही, साथ ही गोवंश का भी महत्व हो जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा अत्यंत ही रियायती दरों पर उच्च तकनीकी से बेहतर गुणवत्ता वाली नस्लों से तैयार किया सेक्स्ट सीमन प्रदेश के सभी पशु अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में मुहैया करवाया जाएगा, जबकि बाजार में इस सीमन की कीमत कई गुना है। पशुपालन विभाग जींद के उपनिदेशक डॉक्टर रविंदर हुड्डा ने बताया कि हरियाणा साहिवाल, थासपास्कर, गिर और एचएफ नस्ल की गायों से हाइजेनेटिक मेरिट वाला सेक्स्ट सीमन विकसित किया है। इस सीमन की विशेषता यह है कि इससे बछड़ी ही पैदा होगी, जो कि अन्य नस्ल की तुलना में ज़्यादा दूध देगी। जो हरियाणा सरकार ने जो स्कीम चलाई है, इसमें जो सेक्स सीमन है, इसका मतलब ये होता है कि जो आप सीमन लगवाओगे, कृत्रिम गर्भाधान करवाओगे, उससे सिर्फ और सिर्फ बछड़ियाँ पैदा होंगी। ये सिर्फ गायों के लिए स्कीम चालू की गई है, भैंसों के लिए स्कीम नहीं है। रीज़न इसका मेन ये है कि क्योंकि हमारे पास जो मेल है गाय के बछड़े हैं, उनके लिए हमारे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि कोई हल नहीं चलाता है, कोई बैलगाड़ी नहीं चलाता है, तो वो सारे के सारे सड़क पे आ रहे थे। अब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ताकि स्ट्रे एनिमल ना हो और फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा बछड़ियाँ मिल सकें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमा कर सकें, उसके लिए सरकार ने सेक्स सीमन यानी कृत्रिम गर्भाधान उस सीमन से कराया जिसमें सिर्फ बछड़ियाँ पैदा होती हैं। इसका जो सक्सेस रेट है लगभग 90% है, 90% से ज़्यादा ही इसका रेट रहता है, 90% तक इसमें बछड़ियाँ ही पैदा होती हैं। उसके बाद इस स्कीम में क्या है कि ये स्कीम अफोर्डेबल नहीं थी, क्योंकि ये विदेशों से स्कीम थी। ये उस स्कीम में क्या था कि सीमन था, जो स्ट्रा थी, एक स्ट्रा जो लगती वो बहुत महंगी पड़ती थी। स्टार्टिंग में ये 1200 रुपये की एक्स्ट्रा मिलती थी, लेकिन सरकार ने इसको सब्सिडी पर डाउन ला के ना पहले 500 रुपये की एक्स्ट्रा दी, उसके बाद 100 रुपये और कम कर दिए, इसमें 400 रुपये की एक्स्ट्रा अब लगा रहे हैं हम, जो 1200 रुपये की होनी चाहिए थी। उसके बाद इस स्कीम में क्या है कि पहले हमारे पास सिर्फ विदेशी गायों का सीमन ही आता था, जिसमें एचएफ है और या जो जर्सी गाय है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे जो देसी गाय है, साहिवाल है, थारपारकर है या हरियाणा नस्ल की गाय है या राठी नस्ल की गाय है, इन गिर गाय है, इन गायों के सीमन की भी स्ट्रा अवेलेबल होगी। हमारे जींद में इस टाइम हमारे पास जो अवेलेबल है वो साहिवाल की स्ट्रा, जो हमारे नॉर्मल गाय मिलती है साहिवाल की स्ट्रा है, और कुछ हमारे जो अच्छे ब्रीडर हैं, जो वो हमारे गिर गाय लेके आए हैं जिनका दूध काफ़ी अच्छा होता है, उनकी स्ट्रा हमारे सेक्स सीमन की स्ट्रा के इस टाइम जींद के अंदर अवेलेबल है, और सिर्फ 400 रुपये में एक्स्ट्रा लगाई जाती है। इस स्ट्रा से जो गाय गर्भित हो जाती है वो गाय बछड़ी ही पैदा करेगी, उसमें बछड़े नहीं आएंगे। इसलिए जो ये आवारा बेसहारा जो गोवंश घूम रहा है सड़कों पे, इस समस्या से लगभग मुक्ति हमें मिल जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार पत्रकार बंधुओं, ये हरियाणा सरकार की एक बहुत ही उपयोगी स्कीम है, जिसको स्ट्रे कैटल को कंट्रोल करने के लिए हरियाणा सरकार ने ये नई स्कीम चलाई है, और इस पर 400 रुपये का एक्स्ट्रा देते हैं। अभी इसको साहिवाल, हरियाणा नस्ल और क्रॉस ब्रेड, इन स्कीमों, इन पशुओं में भी इनको लगाया जाएगा, और आगे जो और नस्ल भी हरियाणा की हैं, गिर हैं, उनके लिए भी ये सेक्स ऑडिट सीमन हरियाणा सरकार उपलब्ध करवाएगी। अभी हमारे पास 2 तरह का उपलब्ध है, बाकी की डिमांड हमने भेजी हुई है, वो भी आ जाएगा। इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा, बछड़ियाँ ही पैदा होंगी, और उससे जो ये स्ट्रे कैटल है इसको कंट्रोल करने में सरकार को और विभाग को काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसमें सबसे जो अच्छी बात यह है कि इससे 1% जो संभावना मेल भी पैदा हो सकता है, 1% 100 में से 1 बछड़ा, उसको भी सरकार स्वयं लेगी अच्छे रेट पर, क्योंकि वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का होगा, क्योंकि जो वो बच जाता है उस एक्स वाई क्रोमोजोम इसमें निकाल दिए जाते हैं, और इतने प्रयास के बाद जो एक बचता है तो वो समझो बहुत ही उपयोगी जो है ना इसमें बुल पैदा होगा, उसको भी सरकार ले लेगी अच्छे रेट पे। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, 800 रुपये इस पर सब्सिडी दे रही है किसान को, 400 रुपये में उपलब्ध करवाया जा रहा है, 800 रुपये हर सीमन पे सरकार वैन करती है। थोड़ा सा बीच में तो, जैसे ये बछड़ियाँ पैदा होंगी वो भी उत्तम नस्ल की पैदा होंगी फिर, तो जो बछड़ियाँ हैं वो भी उत्तम नस्ल की पैदा होंगी, क्योंकि जब उसकी प्रोसेसिंग करते हैं उसमें बचते ही वो एक क्रोमोजोम है जो काफ़ी ताकतवर होते हैं, जो कमज़ोर हैं वो उस प्रोसेसिंग के दौरान ही डेड हो जाते हैं,
तो इससे किसानों को डबल लाभ है कि उत्तम नस्ल के बछड़िया पैदा होंगी या 1% बुल भी पैदा होगा वो भी उत्तम नस्ल का होगा, तो इसलिए और स्ट्रे कैटल को भी कंट्रोल करने में इससे काफ़ी फायदा होगा। तो और कुछ आप जानना चाहें? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है, मैं यहाँ जींद जिले में किसान हूँ। मेरे पास दो गायें हैं साहिवाल की और मैंने सेक्स सेलेक्टेड सीमंस के टिक्के लगवाए थे जो बड़े जिससे बछड़ियाँ ही पैदा होंगी, ओनली फीमेल्स आएंगी और ये बहुत अच्छी टेक्निक है और हरियाणा में इसकी बड़ी ज़रूरत थी और सरकार ने इसके लिए जो अनुदान में जो छूट दी है पहले 1200 रुपये थी, अब इसका टिक्के की कीमत 400 रुपये कर दी गई है जो काफ़ी ठीक है और काफ़ी वाजिब दाम में उपलब्ध हो रही है। और हमारी एक ही दरख्वास्त है सरकार से कि इसकी कीमतों को और घटाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिले सभी को और इसकी उपलब्धता भी बढ़े। और एक ये जो बछड़े पैदा होते थे जिनकी कोई बाज़ार के अंदर कोई डिमांड नहीं है, कोई कीमत नहीं है, वो नहीं होंगे और एक आवारा पशु जो सड़कों पे घूमते हैं उनकी भी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को दोबारा इसके लिए। क्या नाम? नमस्कार, जोगिंदर सिंह। अर्थ प्रकाश के लिए जींद से राजेश रावल की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।